हेलो का लेक्चर थर्टीन में आज हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप्स एसोसिएशन एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन हमने पहले पहले स्लाइड्स में इनहेरिटेंस पढ़ा था तो इसे हम रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक टाइप की रिलेशनशिप होती है तो इनहेरिटेंस क्या होता है Uh, the capability of a class to derive properties and characteristics from one class to another class is called inheritance. इसका मतलब ये है कि हम किसी भी class में अगर दूसरी class के property को हम derive करते हैं या characteristics को हम derive करते हैं उसे हम inheritance बोलते हैं। अब जो inheritance है वो किस type relationship हमें देता है? वो is a type relationship देता है। अब वो is a type relationship कैसे provide करता है? इसे हम example के through देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास example है mammal is a animal, dog is a mammal. तो हम क्या बोल सकते हैं जो mammal है वो एनिमल है और जो डॉग है वो मैमल है तो हम ये भी बोल सकते हैं जो डॉग है वो मैमल है और जो डॉग है वो एनिमल है तो ऐसे हम आगे उससे और भी एक्सपांड कर सकते हैं अब so, हम जो स्लाइड्स में देखने वाले हैं वो है एसोसिएशन तो एसोसिएशन क्या होता है एसोसिएशन इज़ अ अ रिलेशनशिप डिस्क्राइब्स एसोसिएशनशिप्स फॉर अ रिलेशनशिप एंड द रूल्स द रिलेशनशिप अब इसमें क्या होता है इस टाइप के रिलेशनशिप में हमारे पास क्या होता है रीजन्स होते हैं रिलेशनशिप को ज्वाइन करने के लिए और कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं देन एसोसिएशन इज अ अटिकली व्हील वीक रिलेशनशिप और सीमेंटिक डिपेंडेंसी बिटवीन अदरवाइज अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स मतलब इसमें क्या होता है इसमें डिपेंडेंसी होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कि अनरिलेटेड होते हैं नॉन एक्स पॉइंट एंड एसोसिएशन इज अ यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन विच एंड देयर इज नो ओनर मतलब ये दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि उसमें जो लाइफ होती है वो अलग अलग उनकी लाइफ होती है वो दोनों इंडिपेंडेंटली होते हैं इसमें हम इसका इससे हम एग्जाम्पल जिसमें समझते हैं इसमें क्या एग्जाम्पल है इमेजिन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट अ डॉक्टर कैन भी एसोसिएटेड विद मल्टीपल पेशेंट्स एट द सेम टाइम वन पेशेंट कैन विद मल्टीपल डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट एंड और कंसल्टेशन इसमें मतलब कि एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है अगर कोई डॉक्टर अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो मे बी पॉसिबल कि वो बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करे और जो पेशेंट है वो भी मे बी पॉसिबल है कि डॉक्टर से चेकअप ना करवाते हो अलग अलग डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले जा सकता है तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं है तो इसे हम बोलते हैं ये एग्जाम्पल हुआ अपने पास एसोसिएशन का और कोई ओनर नहीं होता है इसको हम और कैसे समझ सकते हैं मतलब अपनी मर्जी से हम उसे ऑन भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन यू एम एल एंड एसोसिएशन रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाई सिरोल डायग्राम्स बनाते हैं तो एसोसिएशन की जो रिलेशनशिप है उसे हम सिंगल है से शो करते हैं एंड एसोसिएशन रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑल्सो नॉन एज कार्डनालिटी अब जो एसोसिएशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है जैसे वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू मैनी अब ये सब क्या होता है हम नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में और अच्छे से उसे हम देखेंगे अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट एसेंशियली एन एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स डिनोट्स अ पार्थ ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या बताता है दो से दो, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो एक कम्युनिकेशन के पाथ को डिनोट करता है किससे जिसे हम लिंक भी बोलते हैं बिटवीन दैम सो दैट वन ऑब्जेक्ट कैन सेंड अ मैसेज टू अनादर इसका मतलब ये जो लिंक होता है कम्युनिकेशन लिंक उसकी हेल्प से हम एक मैसेज को एक यूजर से मतलब एक सेंडर से एक रिसीवर तक हम भेजते हैं अब यहाँ पे हमने पिछले पॉइंट में देखा था वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू मैनी मैनी टू वन ये सब क्या होता है तो हम इसे वन बाय वन देखते जाते हैं तो क्या क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे वन टू वन क्या होता है पर्सन कैन हैव ओनली वन पासपोर्ट इट डिफाइंस वन टू वन मतलब हर एक पर्सन के पास एक ही पासवर्ड हो सकता है तो वन टू वन होगा अब एक पर्सन के पास बहुत सारे पासवर्ड तो हो नहीं सकते मतलब वन टू वन रिलेशनशिप मतलब एक इंसान के पास वो चीज़ एक ही हो सकती है तो ये हो गया वन टू वन रिलेशन अब वन टू मैनी क्या होगा इफ वी टॉक अबाउट द एसोसिएशन बिटवीन अ कॉलेज एंड अ स्टूडेंट अ कॉलेज कैन हैव मैनी स्टूडेंट इट डिफाइंस वन टू मैनी रिलेशनशिप अब ये है कि जो एक कॉलेजेस में उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मतलब एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब वन टू मैनी यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स डज नॉट यहाँ पे इसका जो होता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टूडेंट के बहुत सारे कॉलेजेस नहीं हो सकते ये इसका रिवर्स हो जाएगा फॉल्स uh, हो जाएगा लेकिन जो एक कॉलेज है उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं तो ये क्या रिलेशन हो गया वन टू मैनी रिलेशन हो गया ना नेक्स्ट हम देखेंगे मैनी टू वन रिलेशन अब इसमें क्या होता है स्टेट कैन हैव सेवरल सिटीज एंड दो सिटीज आर रिलेटेड टू अ सिंगल स्टेट इट डिफाइंस मैनी टू वन रिलेशन मतलब बहुत सारी सिटीज है और जो बहुत सारी सिटीज है वो किसी एक स्टेट में रिप्रेजेंट करती है बहुत सारी सिटीज एक स्टेट में रहती है तो क्या हो गया मैनी टू वन रिलेशनशिप अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या हो गया सिंगल स्टूडेंट कैन एसोसिएटेड विद मल्टीपल टीचर्स एंड मल्टीपल टीचर्स कैन भी एसोसिएटेड विदल विद अगल टीचर बोथ आई क्रिएटेड और डिस्ट्रॉइड इंडिपेंडेंटली सो इट में डिफाइन्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे एक जो बच्चा है वो मैनी टीचर से भी रिलेटेड हो सकता है और यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स जो है वो मैनी स्टूडेंट से भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं मतलब मैनी टीचर्स टू मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी स्टूडेंट्स टू मैनी टीचर्स टू हो गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं दो टाइप के एसोसिएशन uh, को यूनिट डायरेक्शनल एसोसिएशन को और बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन को ये दोनों चीज होती क्या है सबसे पहले आता है यूनिट डायरेक्शनल एसोसिएशन ये क्या होता है इट इज़ अ स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ एसोसिएशन वेयर वन ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद अनादर बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू मले भी ये क्या होता है सिर्फ सिंगल डायरेक्शनल होता है इसका हम रिवर्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा इट इज लाइक वन वे कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही साइड को चलता है दोबारा पलट के नहीं आ सकता है इसमें हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन एसोसिएटेड विद अ सिंगल टीचर हम यहाँ डाइग्राम में हम आते हैं एक स्टूडेंट का ब्लॉग बनाया एक टीचर का ब्लॉग बनाया एस्ट्रिक एस्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है मैनी और यहां पे वन हमने लिखा रहा है कि जो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है अब इसमें ये है मैनी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट्स टू वन टीचर तो ये यूनि डायरेक्शनल एसोसिएशन हो गया और ये बता रहा है जो मैंने स्टूडेंट्स है वो एक टीचर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है ये यूनि डायरेक्शनल है देन बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन का क्या है इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन वन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड विद अनदर ऑब्जेक्ट एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू मतलब अगर हम इसको रिवर्स करके बोल दें मतलब मैनी टीचर्स है मैनी टीचर्स इसका जो है उल्टा करके भी हम बोले तो वो सही हो इसमें वापस से हम एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन नस्ट

एसोसिएशन सिंपल स्ट्रक्चरल कनेक्शन और चैनल बिटवीन क्लासेस एंड इट्स रिलेशनशिप वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव लाइफ एंड नो ओनर यहाँ पे दोनों अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं उनकी अलग अलग लाइफ साइकिल होती है उनका कोई ओनर नहीं होता है इससे हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं एसोसिएशन ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग आए लेट्स टेक एन ऑफ डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन एसोसिएटेड विद अ सिंगल डिपार्टमेंट एंड सिंगल स्टूडेंट कैन एसोसिएटेड विद अ मल्टीपल डिपार्टमेंट मतलब क्या है मल्टी जो बहुत सारे स्टूडेंट वो किसी एक डिपार्टमेंट से भी uh, कनेक्ट हो, हो सकता है एसोसिएट हो सकते हैं और जो एक स्टूडेंट है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से भी एसोसिएट हो सकता है बट देयर इज नो ओनरशिप बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स एंड हैव देयर ओन लाइफ साइकिल इन दोनों के में मतलब क्या होगा ओनरशिप नहीं होगी जो स्टूडेंट है वो और जो डिपार्टमेंट है उनके अलग अलग लाइफ साइकिल्स है वो अलग अलग चीजें हैं बोथ कैन क्रिएट एंड डिलीट इंडिपेंडेंटली उनको हम इंडिपेंडेंटली क्रिएट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारा एग्रीगेशन एग्रीगेशन क्या रिप्रेजेंट करता हैज़ अ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है अब एग्रीगेशन होता है क्या है इसे हम पॉइंट वाइज देखते जाएंगे Aggregation is a specialized form of association between two or more objects, which the objects have their own life cycle but their existence and ownership as well. This objects ki alag life cycle, but ownership? Hota hai. नेक्स्ट पॉइंट एग्रीगेशन इज अ टिपिकल होल पार्ट रिलेशनशिप बट इट मे और मे नॉट डिनोट फिजिकल कंटेनमेंट ये क्या होता है होल पार्ट रिलेशनशिप होती है मतलब एक चीज जो पूरी होती है हो, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट वो होता है वो एक पार्ट होता है पूरी चीज़ का तो ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ द होल इन एग्रीगेशन द ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन लाइफ साइकिल बट दे डू हैव ऑनर्स एज वेल नॉन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं इसमें एग्जाम्पल के दिया है इसमें एग्जाम्पल दिया है जो एम्प्लॉई है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है हाव एवर इफ द डिपार्टमेंट इज रिलेटेड अगर डिपार्टमेंट डिलीट हो गया तो ये क्या हो गया एम्प्लॉय जो है वो डिलीट नहीं होगा द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट वुडेंट बी डिलीट नोट दैट ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेटिंग इन एग्रीगेशन रिलेशनशिप कैन नॉट रिलेशनशिप अ होल कैन कंटेन अ पार्ट ऑफ बट रिवर्स इज नॉट ट्रू मतलब ये क्या करते हैं कि इसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा मतलब क्या है यहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे जो अन एम्प्लॉय कैन बिलोंग टू अल्टीपल डिपार्टमेंट जो एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट से बिलोंग हो सकता है है न पर इसका रिवर्स क्या होगा ट्रू नहीं होगा अगर ये डिपार्टमेंट डिलीट हो जाएगा तो उसका एम्प्लॉय की लाइफ साइकिल तो रहेगी एम्प्लॉई की लाइफ साइकिल खत्म नहीं होगी अब क्या क्या देखते हैं देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ये जो एग्रीगेशन होता है वो क्या होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन होता है रिप्रेजेंट करता है एक हैसर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है और इट इज़ अ अटनल एसोसिएशन दैट इज वन वे रिलेशनशिप ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन होता है जो कि यूनि डायरेक्शनल ही होता है इसका एग्जाम्पल क्या? क्या है डिपार्टमेंट्स कैन हैव स्टूडेंट्स बट है नॉट पॉसिबल एंड दस यूनिडायरेक्शन इन नेचर स्टूडेंट क्या है डिपार्टमेंट के पास स्टूडेंट है लेकिन स्टूडेंट के पास डिपार्टमेंट नहीं हो सकता तो उसका जो वाइस वर्सा होता है वो ट्रू नहीं होता है एजुकेशन में क्या होता है बोथ दीज कैन सरवाइव इंडिविजुअली दिस में जो एंट्रीज है? जो जो है वो इंडिपेंडेंटली uh, भी सरवाइव कर सकती है एक दूसरे के ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं होती है अब यहाँ पे जो है इसमें हमने लिया है कार ऑब्जेक्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ इंजन सीट व्हील्स एंड अदर ऑब्जेक्ट इसमें एक कार इंजन है सीट के 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 है, है व्हील है अगर हम व्हील हटा भी देंगे तो कार की लाइफ साइकिल रहेगी है ना तो इसमें जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते अब हमें एग्जीक्यूशन की जरूरत क्यों होती है हम कब यूज करते हैं जो हमें कोड कोड रिज इज बेस्ट अचीव्ड बाय एग्रीकेशन कम्पोजिशन सॉरी जो अपन एसोसिएशन पढ़ा था एसोसिएशन बेटर कोड रिज के लिए क्या यूज होता है एग्रीकेशन कॉम्पोजिशन से ज्यादा बेटर होता है नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन क्या होता है कॉम्पोजिशन इज अ स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ एग्रीकेशन हमने देखा था एसोसिएशन क्या होता है सॉरी uh, एसोसिएशन तो फुली होता है उसके बाद जो एग्रीकेशन क्या होता है एग्रीकेशन होता है वो स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ एसोसिएशन होता है लेकिन जो कम्पोजिशन क्या होता है कॉम्पोजिशन स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ एग्रीकेशन होता है है ना तो यहाँ पे क्या हो गया कॉम्पोजिशन इज अ स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ एग्रीकेशन इन विच द पेरेंट ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉइड क्लास ऑब्जेक्ट वुड नॉट वु टू बी एग्जिस्ट मतलब ये दोनों अगर दोनों में से एक चीज़ भी खराब होती है तो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इट इज एक्चुअली अ रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन इट इज ऑल्सो रिफर्स एज अ डेथ रिलेशनशिप अगर एक चीज़ खत्म हो जाती है दूसरी भी खत्म हो जाएगी तो ये तो डेथ रिलेशनशिप हो गई अब इसमें एक एग्जाम्पल क्या है कि इसमें क्या है हाउस है उसके बहुत सारे रूम्स हैं अगर हाउस स्ट्रॉय होगा तो उस रूम्स का कोई मतलब नहीं होगा रूम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है अगर पर्सन की बॉडी अगर उसमें हार्ट है अगर हार्ट बॉडी नहीं रहेगी तो उस हार्ट का कोई यूज नहीं रहेगा कम्पोजिशन रिलेशनशिप्स आर अ पार्ट हो रिलेशनशिप्स, वेयर द पार्ट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है अब एग्रीगेशन में हमने ये देखा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो मे बी जो है होल होल uh, रिलेशनशिप का पार्ट हो नहीं होल ऑब्जेक्ट का पार्ट हो नहीं हो लेकिन इसमें क्या होता है रिलेशनशिप में पार्ट होल रिलेशनशिप होती है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहला ऑब्जेक्ट का होल ऑब्जेक्ट का पार्ट होना कंपलसरी है इसमें एग्जांपल क्या है हार्ट इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनल बॉडी अ पार्ट इज कम्पोजिशन कैन ओनली बी अ पार्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम इसमें क्या होता है जो एक पर्सन का हार्ट है वो एक पर्सन को ही बिलोंग करता है और एक साथ दो पर्सन को बिलोंग नहीं कर सकता है हार्ट इज पार्ट ऑफ वन पर्सन तो तो कौ, क्स ऑब्जेक्ट बिल्ट फ्रॉम स्मॉलर एंड सिंपलर ऑब्जेक्ट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है इसमें क्या है अब जो कार है इसका एग्जाम्पल और है एक और हमने कार का लिया है जिसमे मेटल फ्रेम है इंजन है कुछ टायर्स है ट्रांसमिशन है स्टेरिंग व्हील्स है और बहुत सारे अदर पार्ट्स हैं और पर्सनल कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ अ अपरबोर्ड एंड सम मेमोरी एक्सक्टर अब इसमें भी बहुत सारे कम्पोनेट्स हैं इवन यू कैन बिल्ड फ्रॉम स्मॉलर पार्ट्स अभी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी वो भी स्मॉलर स्माल पार्ट से मिलती बनी है हेड है बॉडी है लेग्स है आर्म्स है और बहुत सारी चीजें दिस प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सिंपलर वन इज कॉल्ड दी ऑब्जेक्ट कम्पोजिशन एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे सिंपलर ऑब्जेक्ट्स के पार्ट से बनाना उसे हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन अब इसमें क्या देखते हैं जो हैज़ अ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ये भी अ कार हैज अ ट्रांसमिशन अ कंप्यूटर हैज़ अ सीपीयू एंड यू हैव अ हार्ट मतलब ये हैज़ अ चीज़ जो है रिप्रेजेंट करता है जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल के थ्रू देखा है यहाँ पे हाउस है और रूम है यहाँ पे एक हाउस में बहुत बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं तो एक हाउस हैज अ रूम सो ये हैज अ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है Now, यहाँ पे हमने अब कंपैरिजन चार्ट देखा है एसोसिएशन एग्रीगेशन और कंपोजिशन के बीच में सबसे पहले हम बात करेंगे ओनर की तो एसोसिएशन में कोई ओनर होते ही नहीं है एग्रीगेशन में जो होता है वो सिंगल ओनर होता है और कंपोजिशन में भी क्या होता है सिंगल ओनर होता है नेक्स्ट लाइफ टाइम लाइफ टाइम में क्या मैंने देखा था एसोसिएशन और एग्रीगेशन की क्या होती है अपनी अलग अलग लाइफ टाइम होती है अपने अपनी लेकिन जो कॉम्पोजिशन किसके ऊपर डिपेंड करता है ओनर्स की लाइफ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन एसोसिएशन और एग्रीगेशन में क्या होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स की और बाकी ऑब्जेक्ट्स जो है अपनी अपनी लाइफ टाइम होती है चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है दोनों में एसोसिएशन में क्या होता है चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है और एग्रीकेशन में क्या होता है चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू अ सिंगल पेरेंट एग्रीकेशन में सिंगल पेरेंट में बिलोंग करता है और जो कॉम्पोजिशन में क्या होता है ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू अ सिंगल पेरेंट में भी सिंगल पेरेंट में बिलोंग करता है So, guys, it's all about association, aggregation, composition. Basically, it is a part of all relationships we have discussed in this whole uh, video. Hope you like the video. Please do subscribe, share, and like the video. Thank you.